आसमान को जमीन ये जरूरी नहीं जान ले जान ले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले मंजिले। सुशांत सिंह राजपूत जिसने जो ठान लिया वो करके दिखाया, टेलीविजन की दुनिया में उन्हें पहचान मिली, सीरियल किस देश में है मेरा दिल से पर नाम शोहरत और प्यार मिला सीरियल पवित्र रिश्ता से, जहां सुशांत की मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई। शो के शुरुआती दिनों में दोनों की इतनी जमी नहीं, पर शो में जैसे जैसे दोनों की केमिस्ट्री बढ़ने लगी वैसे वैसे ऑफ स्क्रीन भी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, या यूं कहे तो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये उन्हें भी पता नहीं चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत ने एक दिन अंकिता को प्रपोज कर दिया और शो से भी एग्जिट ले ली बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए। जब सुशांत खुद को बॉलीवुड धमाल करने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तब अंकिता ने उनका हर तरह से साथ दिया और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से इश्क का इजहार करना, इवेंट और पार्टीज में साथ नजर आना। सुशांत की पहली फिल्म काईपोच रिलीज हुई और वो ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, जिसके बाद सुशांत शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, पीके जैसे बड़े बैनर में बनी फिल्मों में नजर आए और उनकी गिनती एलिस्टर एक्टर्स में होने लगी। सुशांत की फीमेल फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी और खबरों के मुताबिक अंकिता और सुशांत के बीच अनबन की खबरें आने लगी और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इनके ब्रेकअप के बाद काफी सारी खबरें मीडिया में आ रही थी कि अंकिता बहुत पॉसेसिव हो रही थी, इनसिक्योर थी, अंकिता को सुशांत से शादी करना था और सुशांत शादी के लिए रेडी नहीं थे, जिसके बाद सुशांत ने ट्वीट कर सबकी बोलती बंद कर दी। सुशांत फिर फिल्म राब्ता में नजर आए, फिल्म में उनके अपोजिट कृति सैनन थी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो लाजवाब थी ही, पर ऑफ स्क्रीन भी दोनों काफी वक्त साथ गुजारते। खबरें थी कि दोनों शायद एक दूसरे को डेट कर रहे थे, कुछ वक्त बाद ये खबरें आना बंद हो गई और फिर सुशांत की जिंदगी में एंट्री हुई रिया चक्रवर्ती की। दोनों के बीच क्या था ये बस जितनी मुंह उतनी बातें। उनके रूमर्स तब बढ़ने लगे जब दोनों के लद्दाख की पिक्चर्स वायरल होने लगी और उसके बाद जिम के बाहर कई बार दोनों साथ दिखे, कभी डिनर तो कभी दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करते। सुशांत के बर्थडे पर रिया ने ऑलमोस्ट अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया था। रिया को रिप्लाई करते हुए सुशांत भी काफी खुश थे। बार बार प्यार में नाकामयाब होने के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि सुशांत और रिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर ऑफिशियली कभी खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कहा। इनकी शादी की खबरें भी सामने आ रही थी। अपने करियर के ऊंचे मुकाम पर सुशांत और उनकी लव लाइफ की भी खूब चर्चा थी। केदारनाथ की फिल्म के दौरान सुशांत और सारा अली खान भी करीब आने लगे और उनके अफेयर की भी खबरें आई। पूरी दुनिया सन्नाटे में चली गई जब 14 जून 2020 को संडे की सुबह सुशांत के निधन की खबर आई। हर तरफ एक अलग तरह का शोक था। क्या हुआ सुशांत को? क्यों ऐसा हुआ सुशांत के साथ? क्या ये आत्महत्या थी या कोई साजिश का शिकार? कई अलग अलग तरह की बातें चल रही थी। सुशांत की फैमिली ने इस हादसे का जिम्मेदार रिया को बताया और रिया अरेस्ट भी हुई। मीडिया की भीड़ में रिया की हालत खराब थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत की फैमिली ने दावा किया कि रिया ने सुशांत से 15 करोड़ लिए और उन्हें गलत दवाई भी दी, यहाँ तक कि ये काला जादू भी करवाती हैं। रिया के साथ साथ उनके भाई भी अरेस्ट हुए। कई दिन तक रिया जेल में थी। बहुत सारे सवाल जिसके जवाब सुशांत ही दे सकते हैं कि कैसा था उनका और रिया का रिश्ता। क्या रिया ने मजबूर किया सुशांत को ये कदम उठाने में या खुद रिया भी किसी साजिश का शिकार हुई हैं? अंकिता अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। विकी जैन जो सुशांत और उनके कॉमन फ्रेंड थे, कृति सैनन अपने करियर में ऊंचाई पर है और रिया ने भी महीनों जेल में बिताए। रिया ने सबकी नफरत झेली, सबकी नजर में डायन बनी। वो आज भी सुशांत की याद में पोस्ट शेयर करती हैं और सुशांत एक सितारे बन आसमान पर चले गए। तो कुछ ऐसी थी सुशांत की इश्क की दास्तां। सुशांत को गए 3 साल हो गए हैं और उनके फैंस आज भी उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आए दिन हैशटैग justice for सुशांत ट्रेंड होते रहता है। हम भी सुशांत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।